दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AI Walk में। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कार स्टीरियो, जो हमारा 4 चैनल कार स्टीरियो होगा। ये हमारा जो बेस्ड होगा वो 4440 TKR बेस्ड होगा। आप देख सकते हैं इसमें हम यूज़ जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ये वाली कैबिनेट। कैबिनेट मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए कितनी बड़ी प्यारी कैबिनेट है ये। ये देख लीजिए, ये हम जो कैबिनेट यूज़ करने वाले हैं अपने इस एम्पलीफायर बोर्ड के लिए, कार स्टीरियो के लिए। SE134 का मॉडल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है ये, SE134। ठीक है, तो ये कैबिनेट हम यूज़ करने वाले हैं अपने एम्पलीफायर के लिए, जो हम कार स्टीरियो बनाने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें जो हम बोर्ड यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं, 4 चैनल के लिए हम ये 2 बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। TKR के 4440 कैल्ट्रॉन वर्जन में है, आप देख सकते हैं ओरिजिनल कैल्ट्रॉन वर्जन में है, 4440 IC के साथ में। ओरिजिनल 4440 IC प्लस कैल्ट्रॉन वर्जन आप देख सकते हैं, ये कैल्ट्रॉन वर्जन में है ये TKR। तो एक IC में सिंगल आउटपुट होता है, तो सिंगल आउटपुट यानी कि 2 आउटपुट इसके अंदर और 2 चैनल का आउटपुट हमें इस बोर्ड से मिलेगा। तो हम इसमें इसके अंदर 2 बोर्ड यूज़ करने वाले हैं। साथ ही साथ हम जो यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर BT बोर्ड, वो सेलसॉन का आप देख सकते हैं, ये BT बोर्ड है जो हम यूज़ के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये BT बोर्ड है, 12 वोल्ट से रन करने वाला। तो आप देख सकते हैं ये सेलसॉन का BT बोर्ड है जो हम इस एम्पलीफायर के अंदर यूज़ करेंगे, अपने कार BT के अंदर, अपना कार एम्पलीफायर के अंदर। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल कैप्सटर के साथ लगा हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त BT बोर्ड है। साथ ही साथ इसमें जो इसके बेस ट्रेवल के जो पोटेंशियोमीटर लगेंगे वो हम इसमें अलग से होते हैं, तो वो अलग से हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर अटैच करेंगे हम अलग से। ठीक है, तो बस यही था, जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो सारे मैंने आपको दिखा दिए। तो चलिए चलते हैं इसकी मेकिंग की ओर। साथ ही साथ हम जो इसके अंदर आउटपुट वायर जो यूज़ करने वाले हैं, ये है आउटपुट हमारा केबल जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, 12 वोल्ट के कनेक्शन हमने यहाँ पे कर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये डायोड जो लगा हुआ है हमारा 6 से 4, तो हमने जिसके जो ब्लैक वाला पॉइंट होता है यहाँ पे, मैंने एक 12 वोल्ट प्लस के लिए इसकी वायर कनेक्ट कर दी है, और एक हमने जो इसके ग्राउंड पे, आप देख सकते हैं ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसके ग्राउंड पे मैंने एक वायर कनेक्ट कर दी है। तो ये हमारा 12 वोल्ट इन हो जाएगा, 12 वोल्ट के लिए कनेक्शन हो चुके हैं। साथ ही साथ हमें इसमें ऑडियो इन देना है, तो ऑडियो इन के लिए आप देख सकते हैं, आप इस तरह से बोर्ड हमारा सीधा है, अगर इसको हम उल्टा करेंगे इस तरह से, तो नंबर पिन हम काउंट कर लेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिन का प्रिंट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर के ऊपर हमने एक यहाँ पे हमारा जो ऑडियो इन का है एक चैनल हमने यहाँ पे दे दिया है, और इसी तरह हमने पिन 9 पे एक चैनल हमने यहाँ पे दे दिया है। आप देख सकते हैं चैनल लेफ्ट और चैनल राइट, और साथ ही साथ हमने जो ग्राउंड आपको दिखाया था ये देखिए, यहाँ पे जो हमने 12 वोल्ट कनेक्ट किया था ग्राउंड, ये वही ग्राउंड है। तो हमने एक ये कनेक्शन हमने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया ऑडियो इन का, और ये हो गया हमारा 12 वोल्ट प्लस। ठीक है, तो अब हमें कनेक्शन जो करने हैं इसके स्पीकर कनेक्शन करने हैं, तो स्पीकर के कनेक्शन हमारे पिन नंबर 3 आप गिन लीजिए, 1 2 3 पिन नंबर 3 पर हो जाएगा, और 4 और 5 पर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे स्पीकर आउटपुट, एक स्पीकर का आउटपुट हमें यहाँ मिल जाएगा और एक स्पीकर का आउटपुट हमें यहाँ मिल जाएगा। इसी तरह आप पिन काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 3 और 5 हमारा जो होता है वो स्पीकर आउटपुट होता है। तो चलिए मैं ये कनेक्शन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने स्पीकर के वायर भी कनेक्ट कर दिए हैं, स्पीकर आउटपुट हमारे कनेक्ट हो चुके हैं पिन नंबर 3 और 5 पे, और यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 और 5 पे मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये हमारे स्पीकर आउटपुट हो गए, ये दोनों हमारे स्पीकर आउटपुट हो जाएंगे, ये हमारे ऑडियो इन हो गई, और ये हमारा 12 वोल्ट प्लस। तो इसके जो है सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं, और चलिए इसी तरह से मैं दूसरे बोर्ड जो मैंने दिखाया आपको उस पर कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोनों बोर्ड को, फिर हम कनेक्शन देंगे। ठीक है, तो इन दोनों बोर्ड के मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों बोर्ड से कनेक्शन जो है वो कर दिए हैं। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट को मैंने एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें एक ही पावर सप्लाई से इन दोनों बोर्ड को चलाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके दोनों कनेक्शन कर दिए हैं दोनों बोर्ड के, देखिए ये 12 वोल्ट के कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। साथ ही साथ इसमें हमारे एक स्पीकर आउटपुट के कनेक्शन हो चुके हैं, और ये देखिए आप ऑडियो इन, क्योंकि हमें एक ही ऑडियो से इन दोनों बोर्ड को चलाना है, तो मैंने एक वायर के थ्रू इन दोनों बोर्ड को कनेक्ट कर दिया है ऑडियो इन। ये देख सकते हैं आप, इनकी दोनों की ऑडियो इन मैंने एक ही वायर से दे दी है। अब यहाँ पे जो हमारे एक पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम एक जो BT बोर्ड है उसकी आउटपुट हम इसमें दे देंगे, तो हमारे दोनों बोर्ड रन कर जाएंगे। तो चलिए अब मैं इनको बॉडी में फिट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
ठीक है। और इसके इसके स्पीकर्स के वायर जो है हमारा जो कनेक्टर वायर था उससे कनेक्ट कर लूँगा, इसीलिए मैंने इस पर अभी नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं चलिए कनेक्ट कर देता हूँ, मैं इनके स्पीकर वायर भी हैं जो वो कनेक्ट कर देता हूँ, स्पीकर वायर भी मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको बॉडी के अंदर फिट कर लिया है, तो ये देखिए दोनों बोर्डों को मैंने फिक्स कर दिया है बॉडी के अंदर, और इनके वायर जो है जो मैंने स्पीकर वायर कनेक्ट किए थे वो भी बाहर निकाल दिए हैं। ठीक है, और अब देखिए मैंने ये 5 वोल्ट जो हमारा आउटपुट होगा यहाँ 7805 से हमारे कार्ड के लिए, वो मैंने आउटपुट निकाल लिए है। ठीक है, तो ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया, आप देख सकते हैं ये 7805 जो लगी हुई है यहाँ पे, इससे मैंने आउटपुट निकाला है हमारे कार्ड के लिए जो हमारा MP3 कार्ड में जाएगा। अब कनेक्शन करने हैं इसके BT कार्ड के, तो मैं BT कार्ड मैंने आपको दिखाई दिया था एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका BT कार्ड, तो BT कार्ड के कनेक्शंस मैं इसमें पोटेंशियोमीटर लगा लेता हूँ एक बार, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये BT कार्ड है हमारा, तो मैं एक बार इसके कनेक्शन कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैंने ये बेस ट्रेवल के कनेक्शंस भी कर दिए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा बेस हो गया। बेस के वायर हमें कुछ नहीं करना था, इसके सीधे सीधे वायर हमें 1-to-1 जोड़ने थे, तो मैंने आप देख लीजिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसकी वजह से मैंने ये जोड़ दिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने इसका वॉल्यूम का कनेक्शन भी कर दिया, वॉल्यूम का कनेक्शन कुछ तरह से किया है, आप देख सकते हैं ये इसका वॉल्यूम का कनेक्शन है, ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं, ये हमारी जो कार्ड से आउटपुट आएगी वो हमारे इस वॉल्यूम के अंदर इनपुट होगी। ठीक है, ये आप इसकी फर्स्ट पिन देख सकते हैं, वॉल्यूम की फर्स्ट पिन पे इनपुट हो गई हमारे कार्ड की ऑडियो। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे BT बोर्ड में ऑडियो इन जाएगी वो इसके बीच वाली पिन पे आ गई है हमारी दोनों, ऑडियो लेफ्ट ऑडियो राइट। ठीक है, और ये हमारा जो थर्ड वाला ये हमारा ग्राउंड है, तो ये और बोर्ड से जो ऑडियो जाएगी हमारी, ये ऑडियो जाएगी हमारे मेन जो हमारे एम्पलीफायर बोर्ड्स हैं इनके अंदर, तो यहाँ पर चली जाएगी ये। तो हमारा ये कनेक्शन सारे कम्प्लीट हो चुके हैं, और साथ ही साथ ये हैं हमारे BT को जो हम पावर देंगे 12 वोल्ट के, वो कनेक्शंस हैं। तो ये कनेक्शंस मैं करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसके कनेक्शंस कर दिए हैं, तो आप ये देख सकते हैं इसकी हमारे BT बोर्ड के 12 वोल्ट के कनेक्शंस हैं जो मैंने आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर जो हमारी 12 वोल्ट मेन कनेक्शंस आएगी, तो हमने यहाँ से ले लिए हैं इसके 12 वोल्ट, तो ये हमने प्लस हमने यहाँ और माइनस ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है इसका, तो हमें इसके कनेक्शन जो है वो 12 वोल्ट मिल चुके हैं। साथ ही साथ इसके जो ऑडियो आउट के कनेक्शन थे, तो वो मैंने देखिए आप ये इसके जो ऑडियो इन था हमारा लेफ्ट चैनल और राइट चैनल के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑडियो लेफ्ट और राइट दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, और ये हमारे जो पोटेंशियोमीटर और बेस एंड ट्रेबल्स थे वो भी हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमारा कनेक्शन जो रहते हैं वो इस बोर्ड के हमारे स्पीकर के कनेक्शंस और हमारे स्पीकर के कनेक्शन रहते हैं, और ऑन ऑफ स्विच से जो इसके कनेक्शन देने हैं वो रहते हैं। तो ठीक है, मैं आपको एक बार इसका स्विच लगाता हूं और इसके स्पीकर कनेक्शन करता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके ये जो कनेक्टर था इसके कनेक्शन भी कर दिए हैं, इसके सिंपल से कनेक्शन थे, 6 वायर हैं इसके अंदर, तो 2 वायर हमारे एक स्पीकर आउटपुट के लिए, 2 वायर हमारे दूसरे स्पीकर आउटपुट के लिए, और ये जो हमारे ब्लैक और रेड वायर थे जी हमारे पावर इनपुट के लिए। तो पावर इनपुट मैंने किस तरह से किया, देखिए ब्लैक वायर जो है वो इसका डायरेक्ट हमने यहाँ पे दे दिया है हमारे बोर्ड पे, तो ब्लैक में हमें कुछ नहीं किया हमने, ब्लैक में हम डायरेक्ट हमारे बोर्ड पे दे दिया, और इस बोर्ड से हमारे इस बोर्ड में कनेक्शन हो रखे हैं। ठीक है, और रेड का क्या किया मैंने, देखिए रेड का सीधा मैंने ये वायर जो लिया है ये देख सकते हैं आप, रेड वाला सीधा यहाँ से जाता हुआ मैंने यहाँ पे इसके स्विच पे दे दिया एक। ठीक है, और एक स्विच से ये नीला वायर जो लेके सीधा ला के हमने ये देखिए मैंने ब्रेक कर दिया है इसको, और सीधा ला के हम यहाँ पे इसको लगा देंगे बोर्ड पे हमारे। तो बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, हमने जो रेड वाला वायर है उसको स्विच के थ्रू ब्रेक कर दिया है बस, और कुछ नहीं है, बाकी सिंपल से कनेक्शन है इसके। ठीक है, तो और बाकी हमारा ये पोटेंशियोमीटर और वॉल्यूम रह गया है टाइट करने के लिए, तो मैं एक बार ये कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है सर, मैं एक बार, तो ऑलमोस्ट हमारी मशीन रेडी है, और उसके बाद हमें इसमें VT पैनल लगाना है। तो VT पैनल के कनेक्शन मैंने पहले ही बता दिए थे आपको, ये हमारे पावर के कनेक्शन है और ये हमारे ऑडियो आउट के कनेक्शन है। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे कनेक्शन हो चुके हैं, तो मैं इसके ये पोटेंशियोमीटर और ये VT पैनल लगा लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो गाइज, आप देख सकते हैं हमारी मशीन रेडी हो चुकी है, मैंने यहाँ पे BT पैनल भी लगा दिया है, आप देख सकते हैं इस BT पैनल के हमारा जो आउटपुट पावर आउटपुट आप देख सकते हैं, मैंने बताया था यहाँ पे हमारी जो 7805 लगी हुई है इससे मैंने लिया है, ये 7805 हमारी जो लगी हुई है यहाँ से मैंने इसका पावर आउटपुट लिया है, और ये हमारा चला गया है ब्लूटूथ कार्ड के अंदर, आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ कार्ड के अंदर गया हुआ है, और यहीं से हमारी जो ऑडियो इनपुट निकली हुई है लेफ्ट राइट ये सीधा हमारी आई है वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम की जो पहली वाली पिन होती है इनके अंदर, और उसके बाद से सीधा ये हमारी ये देख सकते हैं आप ये येलो और ग्रीन है, ये हमारी ऑडियो आउट हो गई है, ये सीधे गई है हमारी BT बोर्ड के अंदर, और BT बोर्ड से हमारी जो सीधी ये
ऑडियो आउट हुई है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी गई है हमारे एम्पलीफायर बोर्ड्स के अंदर। तो हमारी मशीन पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त मशीन हमारी रेडी हुई है चार चैनल की। तो आप देखते हैं एक चैनल ये है, एक चैनल ये है, दो और तीन और चार, ये हमारे फोर चैनल की मशीन रेडी हो चुकी है पूरी तरह से। हमारी ब्लूटूथ कार्ड और कार के स्टीरियो के हमारा जो रेडी हो चुका है, ये आप ऑटो कार बस ट्रक किसी में भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आप 12 वोल्ट का आउटपुट हो वहाँ से इसे चला सकते हैं। तो अब बारी है इसकी टेस्टिंग की, तो चलिए इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी मशीन लग रही है हमारी, ये बहुत ही ज़बरदस्त मशीन रेडी हुई है। तो चलिए बारी है इसकी टेस्टिंग की, तो करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ये 12 वोल्ट से कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने 12 वोल्ट में इसको पावर दे दी है, साथ ही साथ मैंने इसके जो आउटपुट थे वो भी यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं। देखिए मेरे दो स्पीकर कनेक्ट हैं इसके अंदर 8-8 इंच के, और ये मेरे पास दो ही स्पीकर हैं, तो इसमें से मैंने दो अभी कर रखे हैं, दो मैं आपको बाद में करके दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा सेटअप रेडी कर लिया है, मैंने ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर लिया है, NCS म्यूज़िक लगाता हूँ इसमें। अब हम इसकी सुनते हैं वॉइस कैसी है, तो मैं इसके देखिए बेस और ट्रेवल बंद कर देता हूँ अभी, और हम इसकी वॉइस सुनते हैं कैसी वॉइस है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं हम, ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ कितनी बढ़िया है, और हमारा फोर चैनल का बन के रेडी हो गया है हमारा एम्पलीफायर जो है, कार और किसी भी गाड़ी में चला सकते हैं आप इसे इजीली। I'm just gonna